हे फैमिली, वेलकम टू आर चैनल। मैं हूँ वैशाली। आप सभी लोगों का स्वागत है वैशाली मित्रा के फैशन डोज पे। आज का वीडियो स्पेशल है बिकॉज थोड़ा सा लेट हो गया है एंड ऑफ रीजन सेल। देखिए, मिंत्रा पे ये साल की बहुत बड़ी सेल होती है और ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स आपको बहुत 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 ह्यूज डिस्काउंट पर मिल जाते हैं। तो मैंने भी इस बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स विशलिस्ट किए हुए थे। एक्चुअली आप इस पूरी ही वीडियो को तावी स्पेशल बोल सकते हैं बिकॉज मेरे पास ऑलमोस्ट 90% जो यहाँ पे सामान पड़ा है सारा तावी स्पेशल है। ये ब्रांड का नाम है। इस ब्रांड को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी बट इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं, नो डाउट एक्सपेंसिव हैं, एक हायर अमाउंट है। बट EORS में मुझे एंड ऑफ रीजन सेल में मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट मिले, मैंने तुरंत ग्रैब कर लिया। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है। आप लोगों को अगर ये सब खरीदना है मेरे टाइटल को क्लिक करेंगे, वीडियो के टाइटल को, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा माई हॉल स्टोर का। आप क्लिक करेंगे लिंक और ये सारे ही प्रोडक्ट आप इजीली परचेज कर सकते हैं। देखिए, मैंने एंड ऑफ रीजन सेल से ख़रीदा बट मिंत्रा पे ऑलमोस्ट महीने में 2 या 3 बार कोई ना कोई सेल चलती रहती है। आप अगर ये आपके बजट में नहीं है तो विश लिस्ट कर लीजिए जैसा कि मैंने किया था, फॉलो कर लीजिए और जैसे ही आपके बजट में आए इसको ग्रैब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का हॉल। आज के हॉल में चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कुर्तीज से। तो फर्स्ट कुर्ती जो मैंने बाय की है फ्रॉम द ब्रांड तावी, ये देखिए, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें ली हैं बट बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज़ें ली हैं। मैं दिखाती हूँ कैसे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ इंडियन ब्रांड तो सारी ही थीम इंडिया को फॉलो करती है। हमारी जो हैंडलूम, हैंड वूवन, बागरू प्रिंटेड, हैंड प्रिंटेड, ब्लॉक प्रिंटेड, सारे ही उसी थीम को ये लोग फॉलो करते हैं। सारे प्रोडक्ट्स उसी पर बेस्ड हैं तो मुझे ऐसी चीज़ें पर्सनली बहुत पसंद हैं। मैं पागल हूँ ऐसी चीज़ों के पीछे। तो इस तरीके का कॉलर मिलता है आपको। इस कॉलर को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता के जाइएगा। ब्लैक कलर का कॉलर मिल रहा है आपको और यहाँ पर 3/4 स्लीव मिल जाती है। इफ़ यू कैन सी, अगर आप कैमरा पे देख रहे हैं, ये देखिए, हैंडलूम में जब वीविंग होती है तो इसमें ऑफ वाइट एंड ब्लैक कलर से वीव किया गया है पूरे ही कुर्ती को, लाइक 1 थ्रेड ब्लैक एंड 1 थ्रेड ऑफ वाइट कलर। तो इस वजह से ये टेक्सचर आ रहा है पूरे ही कुर्ती में। यू कैन सी बहुत ही माइनर सा चेक डिटेल है, पता नहीं कैमरा ये इतना फोकस में ले गया या नहीं, आप ट्राई ऑन में देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा टेक्सचर प्रोवाइड कर रहा है, एकदम page 3 टाइप की कुर्ती है, ए लाइन की कुर्ती है। ये देखिए, आगे से लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसको एज अ ड्रेस पहनना चाहें आप आराम से पहन सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद। क्यूट है, यूनिक है, एट द सेम टाइम 100% कॉटन है, कंफर्टेबल है, वॉट नॉट, क्या नहीं है इस कुर्ती में। तो इसीलिए मैंने इसको परचेज किया है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई हॉल स्टोर में मिल जाएंगे। अब दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट कुर्ती मैंने कौन सी ली है। ये है फ्रॉम द ब्रांड श्री की तरफ से, राइट, ये श्री ब्रांड की कुर्ती है। सभी में मेरे साइजेस लार्ज हैं, 40 बस साइज है मेरा और 5'2" हाइट है। इस तरीके से राउंड नेक वाइट कलर की कुर्ती में बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, इस तरीके से कॉटन में मुझे मिल नहीं रही थी मेरे पसंद की, मिली तो मैंने ग्रैब कर ली। राउंड नेक है, ऊपर थोड़ा सा वी कट आउट है और नीचे पर्ल की डिटेल है। ये देखिए, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के पर्ल है। इस तरीके से लूप करके इसका बटन का डिटेल बनाया गया है। 3/4 स्लीव है। अगेन स्लीव के भी एंड पर आपको ये मोती की डिटेल मिलेगी। ये देखो, देखिए छोटी छोटी डिटेल में, हमेशा आपको कहती हूँ एक आउटफिट को आउटस्टैंडिंग बनाने में छोटी छोटी डिटेल का बहुत बड़ा महत्व रहता है। 100% कॉटन है, कलर आप देख ही रहे हैं ऑफ वाइट है, प्योर वाइट नहीं है, इट्स ऑफ वाइट एंड स्ट्रेट कुर्ती है। इसमें आपको आई थिंक यस राइट हैंड साइड पे आपको पॉकेट मिल रही है। ये देखो, गर्मियों में व्हाइट कलर सभी के पास होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर कट पे इसका ब्रांड टैग मिलेगा श्री का, दोनों ही तरफ यहाँ पर भी यस होना चाहिए। ये देखिए,
ये श्री का पता नहीं फोकस लेगा या नहीं, श्री का ब्रांड टैग है। देखिए एक हाई एंड कुर्ती की यही पहचान भी होती है कि इस तरीके से ब्रांड टैग लगाया जाता है जिससे वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव और क्लासी दिखती है। तो इन्होंने ये चीज़ की है विच इज़ वेरी गुड। आगे थोड़ा सा ये ए लाइन की कटिंग की बोलूँगी मैं आपको, ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा ए लाइन में है बट दोनों ही तरफ आपको कटिंग मिल रही है। तो बेसिकली ये बहुत अच्छी कुर्ती लगी मुझे, बेसिक ऑफिस वेयर और डेली वेयर के लिए बहुत अच्छी है, गो फॉर इट, आपका साइज मिल जाए। तो मेरा साइज लार्ज है। नेक्स्ट अब चलते हैं दुपट्टे की तरफ। मैंने दुपट्टे बाय किए हैं, बहुत टाइम से मेरी नज़र थी तो फाइनली मैंने खरीद लिए हैं। तावी ब्रांड के दुपट्टे हैं और फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी, इट इज, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पिक्चर्स डाली थी और आप लोगों ने मुझे पूछ पूछ के परेशान कर दिया था ये दुपट्टा कहाँ से आया। ऑलरेडी आप ट्राई ऑन में देख चुके हैं, ये देखिए ये है फर्स्ट दुपट्टा। जैसे कि मैंने आपको बताया अच्छा इंडियन ब्रांड और बहुत इंडियन थीम है इस ब्रांड की। इस तरीके से इसको आई थिंक बाटिक प्रिंट बोलते हैं। तो ये मैरून या रेड कलर नहीं है, ये वाइन शेड है। मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ। ये पूरा प्रिंटेड दुपट्टा है, मलमल कॉटन है, एकदम मलमल कॉटन। लेंथ मैं आई थिंक 2.5 से भी ज़्यादा इसकी लेंथ है, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके के प्रिंटेड दुपट्टाज आप सोचेंगे अभी आई थिंक ये 800-900 के आसपास हैं। जब मैंने इनको पसंद किया था ये 1200 के थे, एक्चुअल प्राइस आई थिंक इसका 1200-1300 है, बट ये वर्थ बाइंग है। कुछ चीज़ों की वैल्यू उतनी ही होती है, मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो रोड पे भी मिल जाता है, अरे ये तो मार्केट पे भी मिल जाता है, 200-250 वाली चीज़ आपने 1200-1000 में ख़रीद ली, बट नहीं, मैंने हाथ में ली है, मेरे पास है, मुझे मालूम है ये वर्थ बाइंग है। ये मुझे आई थिंक 650 या 700 के आसपास ही दुपट्टा पड़ा था। अगर आप किसी भी एग्जीबिशन में जाते हैं, आप में से किसी ने अगर कोई एग्जीबिशन अटेंड की है, आपने वहाँ पे राजस्थानी हैंडलूम हैंड वूवन के जो स्टॉल्स होते हैं या फिर पर्टिकुलर वो जो एरिया लेके बैठे होते हैं वहाँ पे अगर आपने कभी ट्राई किया है, इसी रेंज में मिलते हैं, आई थिंक इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते होंगे। इनकी अलग वैल्यू है, इनकी अलग ही पहचान है। तो ये बहुत ही क्लासिक पीस है 100%। अगर आप में से कोई ऐसे पीस ढूंढ रहा है बिल्कुल भी जाने मत देना, बहुत अच्छा वाइन। और ये जो लाइन देख रहे हैं ये आप थोड़ी सी ऑरेंज कलर में है और बेज कलर का इसमें काम मिलेगा। वर्थ बाइंग, टोटली वर्थ बाइंग। गर्मियों में तो ये इतना अच्छा और कंफर्टेबल है, आई कांट एक्सप्लेन एक्चुअली। नेक्स्ट दुपट्टा सेम ब्रांड से, ये देखिए परचेज करना है तो आपको माई हॉस्टल पर जाना पड़ेगा। ये देखिए ये है तावी ब्रांड से, दिस इज अ कंप्लीट बागरू प्रिंट। आप में से कौन कौन जानता है इसके बारे में बागरू प्रिंट, और जो भी है नहीं पता बट आई थिंक इस वीडियो के बाद जान जाएंगे। अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही है प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं देखती हूँ सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप भूल जाते हो, सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर दीजिएगा एंड ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है बट ऐसी अमेजिंग वीडियो और अमेजिंग ऑप्शन देखने के लिए आपको इतना छोटा सा काम तो करना पड़ेगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करना है। टारगेट ले लिया है 50K का, उसे भी जरूर कंप्लीट कीजिएगा मेरे साथ। ये देखिए बागरू प्रिंट, जस्ट ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल। मुझे पता है बहुत लोग सोच रहे होंगे कॉटन का दुपट्टा, बट बात तो है वो आप भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरीके से ब्राउन शेड, येट ये ब्राउन शेड ही है, थोड़ा सा ब्राउनी शेड क्रीम कलर, और ये ज्योमेट्रिकल बागरू प्रिंट दिया गया है। देखो पैटर्न आप देख पा रहे हो क्लोजली, इसका जो चौड़ाई है वो ये मिलेगी आपको, मतलब नॉर्मल दुपट्टे से थोड़ी सी कम है आई थिंक बाकी मुझे पूरी ही इसकी लेंथ लग रही है। लेंथ में तो ये लगभग 2.5 से तो ये ज़्यादा ही लग रहा है। नीचे इसका इस तरीके से बॉर्डर मिलता है, लुक एट द ग्रेस, लुक एट द ब्यूटी। आप ये मैंने ब्लैक कलर का, एक्चुअली क्रॉप टॉप है, अगर आप चाहेंगे मैं इसका भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये नेकलेस भी आई थिंक मैंने मिंत्रा से ख़रीदा था, अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप परचेज कर सकते हैं अपने लिए। लुक एट दैट, अगर आपके पास सिंपल एक ब्लैक कलर की कुर्ती है, आप खुद देख सकते हैं लुक कितनी अमेजिंग लग रही है।
तो ऑर्डर कर दीजिए जल्दी से। बहुत ही सारी क्वेरीज आई थी मुझे इसके बारे में, तो अब मैंने शेयर कर दिया है। अब देखते हैं फुटवेयर्स। तावी के मैंने इस बार फुटवेयर्स भी लिए हैं, तो ये दो फुटवेयर्स हैं। हालांकि इसमें से एक फुटवेयर मैंने पहले ले लिया था, बट मैं चाह रही थी इसको इस वाले हॉल में शेयर करना बनता है, बिकॉज ये तावी स्पेशल है। इस तरीके से ब्लू इक्कत सैंडल्स, लुक एट दैट, लुक एट द ब्यूटी। ब्लू इक्कत 100% कॉटन है, ये कॉटन के ऊपर इक्कत प्रिंट है। कंप्लीट जो हील देख रहे हो ना आप, ये हील के ऊपर भी कॉटन का कपड़ा लगा हुआ है। मतलब मैंने अभी तक बहुत हील्स, आई एम अ फुटवेयर लवर, बट इस तरीके का फुटवेयर मैंने कभी नहीं ट्राई किया था। ये बहुत अच्छा लगता है, पूरी एथनिक वाइब ले आता है। प्लेन अगर आपने वाइट कलर की मतलब पूरा लेगिंग के साथ या फिर पलाजो के साथ वाइट सूट पहना है, उसके साथ ये जस्ट वेरी वेल, गो वेरी वेल। तो ये है मेरा फर्स्ट फुटवेयर, मेरा साइज़ है 37। कुशन वगैरह बहुत अच्छा है, ब्लॉक हील्स है, तो इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, आपके पैर नहीं दुखेंगे। इस टाइप की हील्स ही कैरी किया करो, जिनको हील्स पहनना पसंद है वो इसी टाइप की हील लिया करो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है वॉक करने में। नेक्स्ट जो फुटवेयर है, ये तो आपको बाय करना ही पड़ेगा, आप करोगे मुझे पता है। सो नेक्स्ट फुटवेयर है दिस वन, अजरक प्रिंटेड फ्लैट फुटवेयर्स। देखिए मैं दिखाती हूँ ये वाला पीस आपको। ये मेरा साइज़ है 38 इसमें, बिकॉज जो बंद वाले होते हैं ना उसमें मैं थोड़ा सा एक साइज़ लार्जर जाती हूँ। मेरा थोड़ा आगे से पैर थोड़ा सा ब्रॉड है, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा एक नंबर बढ़ा जाती हूँ। अजरक प्रिंट है, मस्टर्ड येलो कलर का फुटवेयर है। आगे इस तरीके से गोल्डन डिटेल आपको मिलेगी, पीछे बकल स्ट्रैप है यहाँ पर। ये वाले फुटवेयर आपका ऑल ओवर लुक एकदम डिफरेंट कर देंगे, मतलब सभी लोगों का फोकस, उनका ध्यान आपके पैरों की तरफ चला जाएगा। कोई भी लोग चाहे या नहीं चाहे, बट उनका ध्यान ये फुटवेयर आपके पैरों तक जरूर खींच लाएंगे, मुझे मालूम है। और नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं। देखिए मेबेलिन मैट पोरलेस फाउंडेशन शेड नंबर 128, अभी भी मैंने यही अपने फेस पे लगाया हुआ है। ये मेरा अल्टीमेट फेवरेट है, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। मैं मतलब इसको आँख बंद करके कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। मेरी ये आई थिंक 5th बॉटल है, तो आप सोच सकते हैं कि मेरा कितना फेवरेट है। नेक्स्ट मैंने एक इन कलर की, पिंक कलर की आई पेंसिल मंगवाई थी। इट इज़ लाइक दिस, अगर आप देख रहे हैं तो पता नहीं कैमरा पिक करा नहीं। पिंक कलर का जेल लाइनर था, काफ़ी अच्छे प्राइजेस मिल रहा था, इसमें बहुत सारे शेड्स भी, मैं आपको लिंक दे दूंगी। अपने बच्चों के लिए मैंने इस तरीके से 3-ply मास्क मंगाया है। ये इस वक्त आपको पता है बहुत ज़रूरी है, सिंथेटिक मास्क में बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये ब्रांड है JBN की तरफ से, इसमें 3 pieces का पैक है, एक वहाँ रखा हुआ है, 3 pieces का पैक था, तो मैंने बच्चों के लिए लिया था। ये 2 से 7 साल के बच्चों के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट मैंने इस तरीके के अपने लिए, अपने और अपने हस्बैंड के लिए मंगाया था, प्योर सेफ CEN N95। ये मास्क है, 5-layer मास्क है। जनरली जितने भी मास्क होते हैं वो 3-layer 4-layer होते हैं, बट ये 5-layer मास्क है, ऊपर कॉटन की लेयर है अंदर भी, तो ये बहुत कंफर्टेबल है, दम नहीं घुटना है, सफोकेट नहीं करता है आपको। तो ये हमने परचेज किए थे अपने लिए। ये थी टोटल परचेज मेरी EORS से। तो कैसा लगा आज का हॉल, ऐसा रैंडम हॉल कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आगे बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, एंड आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे मुझे और मेरे चैनल को। एंड गाइज मेरी इंस्टाग्राम आईडी है MitraVaishali। थोड़ा पर्सनल टच चाहते हैं, 1-to-1 कुछ बातें करना चाहते हैं, तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डायरेक्टली जाके मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।